हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नव क्लासेस। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ज़रूर दबा देना। आज हम डिस्कस करेंगे उन्नत भारत अभियान का सेकंड स्टेज जो अभी ही लागू हुआ है। ठीक है, तो ये आपका हो गया था 25 अप्रैल 2018 को। सो इस स्टेज में क्या क्या इम्प्लीमेंटेशन हुए हैं वो हम डिस्कस करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आई एम नवदीप कौर एंड आप मुझे अनअकैडमी पे फॉलो कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ऐप डाउनलोड करके वहाँ पर फॉलो जरूर कीजिएगा और मेरे सारे कोर्सेज एनरोल करते रहिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे ही मैं न्यू लेसन वहाँ पर ऐड करूँ। सभी लेसन मेरे वहाँ पर कोर्स फॉर्म में है और जो इजी टू अंडरस्टैंड है और आपको एक ही जगह पर सभी लेसन वहाँ पर मिल जाएंगी। सो आप अनअकैडमी प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो, अदरवाइज जो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहाँ पे क्लिक करोगे आपको प्रॉम्प्ट करेगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, unacademy.com/plus पे मेरा एक न्यू कोर्स आया है CBSE UGC नेट के लिए। अगर आपको लिंक देखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैंने दिया हुआ है। इसमें प्रॉपर 60 आवर्स ऑफ लर्निंग होगी, 70 सेशंस होंगे। कोई क्वेरी होगी तो डेफिनेटली हम आपको डिस्कशन फोरम में बताएंगे। मॉक टेस्ट होंगे, लाइव सेशंस, क्विजेज होंगे। सो आप इसको जरूर एनरोल कर लीजिए। अगर आपको लगता है कि पेपर वन में आपकी थोड़ी पकड़ कम है तो इसलिए आप इसको एनरोल कर सकते हो। ठीक है, और आज इसकी लास्ट डेट है 28 अप्रैल, जब इसकी फ़ीस इंक्रीज़ हो जाएगी और 5 मई तक इसमें आप एनरोल कर सकते हो। सो बेटर कि आप पहले ही एनरोल कर लीजिए। थैंक यू सो मच। सो इससे पहले जो उन्नत भारत अभियान है ये 2014 में इसकी फर्स्ट स्टेज आई थी। ठीक है, तो इस ये मेनली यही है कि जो रूरल एरिया के आपके स्कूल्स एंड ऑल हैं इन सबको अपलिफ्ट किया जाए। एंड प्रोग्राम जो लॉन्च किया गया था, ये लॉन्च किया गया था IITs, NITs यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ टेक्नोलॉजी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल टीचर्स ट्रेनिंग एंड रिसर्च और दूसरे गवर्नमेंट इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट लाइक कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे, इन सब के कोलैबोरेशन से ये किया गया था। सो अभी मैं आपको सिर्फ इतना ही समझाऊंगी कि जो इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम से। ठीक है, सो सेकंड स्टेज जो है ये आपकी अप्रैल 2018 में इंस्टीट्यूट हुई है, एनेबल हो गई है अब। और इसके अंदर यही है कि जितने भी आपके जो हायर एजुकेशन सिस्टम है तो उनको आगे बढ़ावा दिया जाए ताकि रूरल एरिया में भी लोगों को वो सब फैसिलिटीज़ मिल पाए। सो इसकी पहली स्टेज जो थी इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ इतने ही इंस्टीट्यूशंस थे, IITs, NITs के, जिन्होंने इनमें पार्ट लिया था। 143 ही थे लेकिन अब ये बढ़ गए हैं। ठीक है, इनमें 750s चूज़ किए जाएंगे। स्कीम ऑफ सेंटर एम्ड एट मेकिंग हायर एजुकेशन सिस्टम प्रोवाइड सॉल्यूशन फॉर प्रॉब्लम्स ऑफ विलेजर्स, जितने भी गांव वाले लोग हैं उनकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन के लिए ये प्रोवाइड किया गया है। सो यू कैन सी 1000 ऑफ इंस्टीट्यूशन हैव अप्लाइड, इसमें हज़ारों इंस्टीट्यूशंस ने अप्लाई किया है, उनमें से 750 को स्पेशली वहाँ पर सिलेक्ट किया जाएगा। ठीक है, UBA 2.0 के तहत। सो उन्होंने ऐड किया कि टेक्निकल नॉन टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस दोनों ने ही यहाँ पर अपने भेजे हैं और दोनों को ही इनवाइट किया गया था, जो कि अपनी स्ट्रेंथ्स के अकॉर्डिंग विलेजेस के सिस्टम को बिल्ड करने के लिए इच्छुक हैं। इसमें यही ऐड किया गया कि ये टू वे लर्निंग होगी। आइडिया है कि ये कोऑर्डिनेशन प्रोवाइड किया जाएगा, कोऑर्डिनेटिंग अप्रोच प्रोवाइड की जाएगी गवर्नमेंट की और इन सभी इंस्टीट्यूशंस की, ताकि ये अच्छे से काम कर सके। और इसके अंदर यही एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि कैसे ये टू वे होगा, जो भी आपके हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से स्टूडेंट्स हैं या जो भी इसके अंदर वर्क कर रहे हैं उनको रूरल फॉक के साथ भेजा जाएगा और वहाँ पर वो समझेंगे कि क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्या वो सही ढंग से उनका इंस्टीट्यूशंस वर्क नहीं कर रहे हैं, और फिर विलेजेस में जाकर उनके नौ हाउ को जानने के बाद प्रॉपर एक्शन साथ साथ लिए जाएंगे। सो मिस्टर सुब्रमण्यम सेड दिस वॉज एक्सपेक्टेड टू बी टू वे लर्निंग प्रोसेस, ये टू वे लर्निंग प्रोसेस होगा। ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं MCQ में, वेयर इंस्टीट्यूशन शेयर नॉलेज विद विलेजेस, जो जहाँ पे ये सारे इंस्टीट्यूशंस विलेजर्स के साथ नॉलेज शेयर करेंगे और सीखेंगे भी कि कैसे वो काम करते हैं, उनकी कॉमन सेंस क्या है रूरल फॉक की, उनको समझ के फिर ये आगे बढ़ेंगे। सो इसके जो मेन इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स है वो ये है कि विलेजर्स को हेल्प करना कि वो 100% स्कूल रिजल्ट्स अचीव कर पाएँ, यानी कि 100% स्टूडेंट्स वहाँ पर पास हो पाएँ। क्रिएट करना 25 जॉब हर एक सेक्टर में से, सेक्टर्स तो आपको पता है कौन कौन से होते हैं, देन इन ईच विलेज वेयर वर्क वुड टेक प्लेस, जहाँ पे भी काम वो करेंगे। सो इंक्रीज़ करना इनकी इनकम को, रूरल के लिए अगर हम एजुकेशन प्रोवाइड करें अल्टीमेटली उनको इनकम सेल्फ डिपेंडेंट बनाने के लिए, देन प्रोवाइडिंग ड्रिंकिंग वाटर और सैनिटेशंस भी प्रोवाइड करना है, इसी के अंदर अलग लग रहा है लेकिन ये इसमें है पार्ट, डिपोजिंग विलेज गार्बेज एमंग अदर थिंग्स, और विलेज का जो भी गार्बेज है उसको डिस्पोज करना,
ये सब भी। तो यानी कि गार्बेज से रिलेटेड, पानी से रिलेटेड, सैनिटेशन से रिलेटेड और हायर एजुकेशन से रिलेटेड, ये सब कुछ इसके अंदर है। और स्कूल हायर एजुकेशन से ज़्यादा ये इसका स्ट्रेस कहाँ पे है, 100% स्कूल रिजल्ट में है। ये भी इम्पॉर्टेंट है कि इसका मेन स्ट्रेंथ कहाँ पे है, स्कूल रिजल्ट्स में। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, आज मैंने छोटे से लेसन में इसको प्रॉपर कंप्लीट करवा दिया कि पहले इसका क्या था, इसमें सिर्फ 143 इंस्टीट्यूशंस ही थे, अब 750 तक इनवाइट करे गए हैं, उनको सैंक्शन करेंगे 750, थाउजेंड्स ऑफ इंस्टीट्यूशंस ने अप्लाई किया, उनमें से 750 चूज़ करेंगे। और ये है एडुकेशन के लिए, रूरल एजुकेशन को समझने के लिए कि कैसे जो मेन इंस्टीट्यूशंस हैं उनको रूरल एरिया में भेजा जाएगा और उनकी एजुकेशन लेवल को वो समझेंगे और अपने भी उसमें प्रोवाइड करेंगे इनपुट। एंड इसके अंदर जो हमने समझा कि स्कूल की परसेंटेज बढ़ाना, सैनिटेशन, वाटर, ये सब इसके अंदर की पॉइंट्स है जो इंपॉर्टेंट है, जो इसके अलग लगते हैं लेकिन है नहीं, ठीक है। सो आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ और मेरे को फेसबुक पे लाइक कर सकते हो एंड ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हो। कोई क्वारी है तो डेफिनेटली कमेंट में पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच।